सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है, मेरा ये मेकअप कैसा लग रहा है और मेरी छोटी भाभी कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Oh,
don't you come and feed me. Bin shaguna da chade aao sakhiyo ni veda sajeya haan mera sajna झुक गया आसमां मिल गए दो जहां हर तरफ है मिलन का समां हाथ में हाथ जो दे गया चलूं मैं जहां जाए तू गाए मैं तेरी सगाई भी हो गई है तो अब हम लोग खाने बैठ गए हैं और खाना तो इतना टेस्टी था लाजवाब था बहुत ही अच्छा लगा खाना मेरे को। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग को हम लोग का डांस कैसा अच्छा लगा पूरी फैमिली के साथ और मेरी छोटी भाभी कैसी लगी। सब लोग हम लोग मिलकर चाय पी रहे हैं ये बातें कर रहे थे किसको कितना मजा आया। सबसे पहले मैं पापा से पूछती पापा को सरप्राइज आज का कैसा लगा। सरप्राइज बहुत बढ़िया लगा है इस सगाई में पहले बार ऐसा प्रपोज हुआ है। और अमित को अमित कुमार भाई दूल्हे को कैसा लगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मतलब लगा ही नहीं था कि वो बैठ जाएगी। अच्छा क्या तुम्हें इसकी आंखों में आंसू देखे। हाँ जब मैंने वो प्रिटी वुमन गाना मैं यही चाहती थी कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू हो इसीलिए मैंने सब कुछ इसी तरीके से प्लान किया था और आए आंसू तो यहाँ मेरा इवेंट सक्सेसफुल रहा। हाँ बहुत अच्छा लगा सब गए बेटा बहू नाचे कूदे डांस किए। मम्मी आपने नहीं डांस किया। मम्मी ने नहीं मम्मी पहले जमाना कहीं इसीलिए नहीं करती नहीं मम्मी तो उसे रिश्तेदार क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। मम्मी झूठ बोलिए पहले जमाने के दूसरों की शादी में कैसे करती है और सबसे बड़े डांस मेरे भाई ने किया वो मैं अभी दिखाऊंगी इस वीडियो में। वे पूरा डांस का जो भी क्रेडिट है ज्यादा रेखा को जाता है। ये तो बात सही है पूरा क्रेडिट उसको जाता है। मैंने आज तक कभी भी स्टेज पे कभी भी डांस नहीं किया ना स्कूल में ना कॉलेज में ना कभी आदमी लाइफ का भी डांस नहीं किया मैंने फर्स्ट टाइम डांस करवाया। मुझे भी पता चल रहा है झूठ बोल रहा है भैया। हाँ भैया बचपन में जब 10th क्लास में था तो गाना गाता था शर्ट उतार करके पैंट पहन करके तो पम्मी के लिए गाता था ना अच्छा इनके लिए गाता था तो भाई में गया था फ्यूचर में गया था फ्यूचर में देख के फिर मैं आया गया फिर मैं गाने गया। इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया सबका सपोर्ट मिला सबका साथ मिला तो मैं कर पाई। अगर ये लोग बोल देते हैं ये क्या नहीं करना मुझे नहीं करना मैं कहाँ से कुछ कर पाती। तो सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन आई लव यू ऑल। भाभी से पूछते भाभी आपको कैसा लगा काफी छोटी दिवाली। हाँ दिवाली कैसी लगी सगाई देख रही हूँ ऐसा मैं सरप्राइज इसके चलते ही मिला मेरी बहन के चलते ही नहीं तो मैं ऐसा नहीं देख पाती अपनी जिंदगी में कभी जीवन भी देख पाती। और बहुत बहुत देखो थैंक यू अभी भी बोलूँ सबके सामने अब ऐसी सगाई हम कभी करेंगे।
अंकु का सगाई हमने सोचा काला चश्मा लगा के बाइक के ऊपर बैठ करके आएगी वो काला चश्मा मम्मी पापा ने उसको पसंद किया है, बहुत प्यारी बहुत क्यूट है वो। बड़ी भाभी भी हम लोग की बहुत अच्छी है, आएगी तो मम्मी के दिल को ठंडक मिल गई। चलो मेरी बड़ी बहू की तारीफ कर दी, तब से यही पेट भरा था मेरी बड़ी बहू का तारीफ कब होगा कब होगा। लेकिन छोटी वाली तो बेलना भी दिखा रही थी, देखा भी नहीं। नहीं नहीं वो तो अमित को दिखा रही थी, मैंने बोला था कि अमित थोड़ा टेढ़ा है तो उसको पीट पीट के दिखा देना। और दीदी ज्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वो आयुष के साथ बिजी थी, आयुष बहुत छोटा है। दीदी की कैमरा गर्ल है अंकु जो अभी कैमरा पकड़ के बैठी है, पर वहां पे स्टाइल मारने में बिजी थी, सो उसे नहीं बनाया, ज्यादा ब्लॉग नहीं होगा। पर जितना भी होगा उसको भर भर के प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये सीता और मैं हूँ गीता, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीता है तो सीधी है, मैं गीता हूँ तो टेढ़ी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं, और जितनी टेढ़ी मैं आपको दिख रही हूँ ना मैं टेढ़ी नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ बहुत सीधी सादी प्यारी हूँ। मुझसे ज्यादा अक्ल में तेज है वो, शक्ल पे मत जाओ आप लोग जज करने लग जाओगे कि हाँ इसकी बहन, कमेंट आया मुझे इसकी बहन इतनी प्यारी है, सीधी है, मासूम है, गाय है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दीदी प्यारी है मासूम है पर गाय नहीं है, स्मार्ट है। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी को अपने जैसा बना दो, नहीं बनाना चाहती मैं उसको अपने जैसा, क्योंकि वो जैसी है वो बहुत प्यारी है, उसको कोई जरूरत नहीं कि वो रेखा जैसी बने, वो सिंपल है, सोपर है और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हम दोनों को कंपेयर मत करना, उसकी अलग लाइफ है, उसकी अलग पर्सनैलिटी है, मैं बहुत अलग हूँ अपने पूरे परिवार से, मेरी पूरी पर्सनैलिटी मेरे परिवार से मैच ही नहीं करती। मैच करती है पापा बताओ? नहीं, मैं सबसे अलग हूँ ना, अलग अलग हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ ना अच्छी हूँ, आपको पता ही बहुत अच्छी है, नहीं लोग कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, ट्रोल करते हैं। और कुछ लोग ब्लॉग नहीं करने देते, हमेशा दीदी के ब्लॉग में कोई ना कोई टांग बनाने कर जाता है, बेचारी का ब्लॉग कोई बनाने नहीं देता है, बच्चे बूढ़े जवान सब डिस्टर्ब करते हैं उसको। तो गाइस हम दोनों को कंपेयर मत करना, हम दोनों को कंपेयर मत करना, हम दोनों को कंपेयर मत करना, हम दोनों को मत करना, किसी को भी कंपेयर मत करना, ठीक है। मम्मी ने बोल दिया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, मम्मी ने बोला एकदम मम्मी बोली किस बात, बड़ों की बात माननी चाहिए जितने भी छोटे देख रहे हैं, बोल दो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे मेरे छोटी बेटी करती है बड़ी बेटी की भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबाना नहीं भूलना, घंटी दबाना ना पास का जो मंदिर होगा ना वहां जाके टन टन टन। चलो गाइस आपसे भी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।